एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं लेके आई हूँ मुंबई की फेमस चटपटी चाट, चना चाट लेके आई हूँ, तो जिसे खा के आपके मुंह में पानी आने वाला है। भाई देखिए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है। और देखिए, इसके लिए मैंने चने को वॉश करके मैंने इसे भिगोया था, रात भर भीगा है, और अभी इसे मैं मॉर्निंग में बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चना लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है नींबू, हरी मिर्च, तीन मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिए हैं ओनियन 4 से 5 क्योंकि छोटे हैं, और यहाँ पे लगभग आधा केजी के करीब यहाँ पे मैंने चने भिगो के रखे थे। तो चलिए सभी चीज़ों को हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टमाटो को अच्छे से वॉश करके, देखिए मैंने इसे चॉप कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमें छोटा छोटा सा चॉप कर लेना है, और उसी के बाद सभी चीज़ों को कर लेना है। इसी तरह से प्याज को भी कर लेना है। तो देखिए, प्याज को भी मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक, जितना बारीक हो सकता है तो फिर वो अच्छा लगता है। तो कर लीजिए, देखिए तो उसको भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे एक लेमन लिया है, लेमन को भी मैं इस तरह से कट करूँगी, जो कि बाद में इसमें हमें खटाई का काम देगा, चाट में बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और यहाँ पे एक हरी मिर्च है, क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है, तो एक है, इसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है इस तरह से। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी चाट बनने वाली है। और फिर अब यहाँ पे चनों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और डालने के बाद में इसमें लगभग 1 लोटे के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है, और इसे मैं 3 से 4 विसल लगाऊंगी। और देखिए, वह यहाँ पे मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, और इसके बाद में ये देखिए सभी मसाले हैं। मसाले में मैंने सबसे पहले यहाँ पे ली है लाल मिर्च, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ लिया है, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने डाला है चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, सभी चीज़ें 1/2 टेबल स्पून डाली है मैंने। और ये यहाँ पे डाला है मैंने काला नमक, तो जब तक काला नमक ना पड़े तब तक इसका टेस्ट अधूरा है चना चाट में। और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और जो नमक की जो किठाने रह गई है काला नमक की, उसे मैंने इस तरह से स्पून की हेल्प से पुश करके इसे दबा के इसे फोड़ लिया है, ताकि जब हम उसे खाएंगे तो मुंह में ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मिक्स कर लिया है सभी मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से। इसके बाद हमें लेमन लेना है, और लेमन में से जो बीज होता है उसे हमें ज़रूर निकाल लेना है, वरना वो भी खाने में जब दांत के बीच में आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बीज को हमें ज़रूर निकाल लेना है। एक तरफ मैंने पैन में देखिए ऑयल गरम होने रखा था, उसमें जीरा सभी मसालों को मैंने डाल दिया है, जो मसाले हमने मिक्स करके रखे थे। और अब देखिए, यहाँ पे विसल आ चुकी है चार, और मैंने चने को निकाल लिया है, दबा के देखा है बहुत ही अच्छे से। देखिए, आप देख सकते हैं कि चना हो चुका है, और ये पक रहा है। अब चने को डाल देंगे इस मसाले में हम। देखिए, अब हमारी चटपटी सी चाट बिल्कुल बनके रेडी है, और इसमें बन रही है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखिए, चलिए नीचे उतार के इसमें, अब जो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को चॉप करके रखा हुआ है, मसाले हमने पहले से डाले हैं, तो चलिए हम ये सब चीज़ें डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। भाई मेरे मुँह में तो बहुत ही पानी आ रहा है, और आप भी खाएँगे तो क्या चटकारे लगा के खाएँगे। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा चाट को, मुंबई की फेमस चना चाट मसाला। तो फ्रेंड्स देखिए, तैयार है, अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रे में इसे सर्व किया है, ये देखिए इस तरह से हमें डालना है। स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ, और ऊपर से लेमन का जो फ्लेवर है ये सबसे ज़्यादा मज़ा दिलाता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो नींबू मैंने इसमें निचोड़ के मिक्स कर दिया है, और इस तरह से स्पून से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हरी मिर्च से डेकोरेट कर देंगे यहाँ पे, और लेमन और चाहिए तो हम उसे लगा देते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे, जब तक न्यूज़पेपर में ना खाया जाए चना चाट को, तब तक मज़ा नहीं आता है भाई। तो देखिए, मैं इसे इस लिफाफे में भी डाल रही हूँ इस तरह से कोन बना के, ये भी मैंने घर में ही तैयार किया है न्यूज़पेपर से। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दोस्तों मुझे करती रहिएगा, उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलेंगे अगली बार फिर से ऐसी रेसिपी में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक।